हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है लोकेसर अनंत शिक्षा केंद्र पे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट करी है कि सर एक बार फिर से आप चाइल्ड पेडागोजी सेक्शन स्टार्ट कराइए। और जैसा कि हमने पिछले बार के ग्रेड वन एंड ग्रेड टू एग्जामिनेशन में स्टार्ट किया था, तो आपकी विशेष मांग पर फिर से हम लेकर के आ रहे हैं आपके सामने चाइल्ड पेडागोजी का सेक्शन। और क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं, तो हम यहाँ पर मेनली आपके लिए बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी से कोशिश करेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं, उस पर हम बात करें। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत। ओके, तो आज के टॉपिक की हेडिंग डाल लें आप लोग कॉपी में अपने अपने, बुद्धि के सिद्धांत। ओके, तो आज की टॉपिक में, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बुद्धि क्या होती है, बुद्धि कितने टाइप की होती है। ओके, एंड बुद्धि किस तरीके से डेवलपमेंट होती है। ओके, इनके सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला कॉन्सेप्ट हम उठाते हैं कि बुद्धि का मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। ओके, मतलब कि क्या कहना चाहिए इसे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, बुद्धि क्या मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। तो सबसे पहले लिखिए कि जो संज्ञानात्मक विकास की बात कही है, विकास, ओके, संज्ञानात्मक विकास की बात कही है, तो वो जो है उन्होंने कही है, जिनका नाम है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास की बात कही है। देखिए, एक होता है ज्ञान और एक होता है संज्ञान। कहते हैं ना, इस चीज को अपने संज्ञान में लीजिए। तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात कही जीन पियाजे ने कि जो बुद्धि होती है, जो इंटेलिजेंस होती है, वो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस जो होता है, उसका डेवलपमेंट, बुद्धि का जो विकास होता है, वो संज्ञानात्मक रूप से होता है। संज्ञानात्मक रूप से का मतलब, जैसे जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक कर पीता है। ओके, कि जैसे कोई बच्चा है, पहले उस बच्चे के अंदर बुद्धि नहीं थी, उसने एक गर्म तवे को या गर्म कोई चीज़ को उसने हाथ से जा करके टच कर दिया। ओके, बट जब उसने टच कर दिया तो उसे बहुत जोर का पेन हुआ और उसे लगता है कि हाँ, ये बहुत गलत चीज़ है, मुझे इसको टच नहीं करना चाहिए। मगर उसके पहले उसके पेरेंट्स उसे बोल रहे थे, बेटा पास में मत जाओ उस जलती हुई चीज़ के, वो लाल लाल जल रही है। तो मगर वो उस चीज़ को फील नहीं कर रहा था क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे थे, बट तब उसे संज्ञान नहीं मिल रहा था। बट जब वो जा करके टच किया तो उसने जो है, टच करने पे उसको दर्द हुआ और इससे उसके अंदर क्या डेवलप हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, उसके अंदर संज्ञान डेवलप हो गया। तो बुद्धि का मानसिक या संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। ओके, और इसके साथ ही साथ बुद्धि के विकास के कई सारे सिद्धांतों की बात कही। किसी ने कहा बुद्धि संज्ञानात्मक डेवलप होती है, किसी ने कहा बुद्धि अनुभव के आधार पर डेवलप होती है, किसी ने कहा बुद्धि सुनकर के डेवलप होती है। ओके, अब बुद्धि का संवेग संवेगात्मक विकास, थोड़े से टर्म बड़े टफ हैं, तो हम बात कर रहे हैं संवेगात्मक विकास। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनमें बताते जाऊँगा। संवेगनात्मक संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे के बारे में आता है। और संवेगात्मक विकास, ओके, ये जो संवेगात्मक विकास है, इसकी बात करी थी गोलमैन। तो इसके लिए गोलमैन लिख लें आप लोग, संवेगात्मक विकास की बात करी है गोलमैन। ओके, देन बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, कि इसकी संरचना जो होती है, बुद्धि की संरचना। तो संरचना का सिद्धांत किसने दिया है, संरचना का सिद्धांत दिया है आईजेनक। ओके, आईजेनक ने संरचना का सिद्धांत दिया है। ओके, देन बुद्धि की पदानुकृत संरचना। ओके, बुद्धि की पदानुकृत संरचना, मतलब पदानुकृत संरचना मतलब स्टेप बाय स्टेप। ओके, पदानुक्रम कहते हैं ना, पदानुक्रम, तो वहीं से है बुद्धि की पदानुकृत संरचना। तो यहाँ पे पदानुकृत संरचना की बात किसने कही है, जो पदानुकृत संरचना की बात कही है उसने कही फिलिप ने। फिलिप का पूरा नाम था फिलिप बर्नेन। ओके, तो फिलिप बर्नेन इनका पूरा नाम था। तो पदानुकृत संरचना की जो बात कही है वो फिलिप बर्नेन ने कही है। इसके बाद एक और है कि एकीकृत सिद्धांत, बुद्धि का एकीकृत, यूनाइटेड थ्योरी जो है, एकीकृत सिद्धांत। तो बुद्धि के एकीकृत सिद्धांत की बात कही है गिलफर्ड, जेपी गिलफर्ड ने बात कही है बुद्धि के एकीकृत सिद्धांत की। देन बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत, बात करते हैं कि बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत की बात किसने कही है, जो स्टेनबर्ग थे। ओके, बहुत जाने माने ये मनोवैज्ञानिक है स्टेनबर्ग।
स्टेनबर्ग ने जो बुद्धि बुद्धि को तीन प्रकार में बांटा है उसी को त्रिकबिंदु सिद्धांत बोलते हैं। स्टेनबर्ग ने बुद्धि को जो है तीन स्टर्नबर्ग, स्टर्न मैं स्टेन बोल गया, स्टर्नबर्ग इनका पूरा नाम है। तो बुद्धि का जो त्रिकबिंदु का सिद्धांत है, स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को तीन भाग में बांटा है और इन्होंने जो बुद्धि के वर्ग दिए हैं वो दिया है, पहली बुद्धि है जिसका नाम है विश्लेषणात्मक बुद्धि, मतलब विश्लेषण करने वाली बुद्धि, ओके, विश्लेषणात्मक बुद्धि एनालिटिकल इंटेलिजेंस। सेकंड है व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि मतलब ये कहते हैं कि बुद्धि तीन प्रकार की होती है, विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक, एंड तीसरा है सृजनात्मक बुद्धि, ओके, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव। तो एक तो आपकी कौन सी है, एनालिटिकल ब्रेन है आपका, एनालिटिकल बुद्धि है, एक आपकी व्यवहारिक मतलब कि जैसे आप व्यवहार करते हैं, ओके, डील करते हैं वैसी, एंड एक क्रिएटिविटी से रिलेटेड है सृजनात्मक बुद्धि, ओके। अब बात करते हैं बुद्धि की परिभाषाओं की। तो बुद्धि की परिभाषा देखिए, यदि हम बात करेंगे परिभाषा की, तो वन बाय वन देखते हैं बुद्धि की परिभाषा। सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा परीक्षाओं में आती है वो है जीन पियाजे की परिभाषा। तो जीन पियाजे साहब क्या कहते हैं बुद्धि के बारे में, बुद्धि के बारे में जीन पियाजे साहब क्या कहते हैं, देखिए जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है। जीन पियाजे के अनुसार जो बुद्धि होती है वो वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है, ओके। वातावरण के साथ, तो एक जैसे बच्चा है, ओके, उसके चारों तरफ क्या होता है, उसके चारों तरफ वातावरण होता है। जब बच्चा आता है तो उसे तो कुछ पता नहीं होता ना, जब वो जन्म लेता है तो वो क्या करता है, अपने वातावरण के साथ जो है वो तालमेल बिठा रहा होता है, उसे हर दिन हर पल वातावरण के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। तो इस प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस को ही बोलते हैं बुद्धि, मतलब जितना अच्छा वो तालमेल बिठा पाएगा मतलब उसकी बुद्धि उतनी ज़्यादा है, ओके। तो ये तालमेल बिठाने की प्रक्रिया को हम बुद्धि कहते हैं, ओके। सो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है कि आप कितने ज़्यादा एडाप्टेबल हो रहे हैं वातावरण के साथ। अब बात करते हैं अल्फ्रेड बिने, मैंने बताया था बिने, ओके, यस, अल्फ्रेड बिने, इनको बिने भी कहा जाता है, ओके। तो बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए, आपको बताना है कि बिने के अनुसार जो है बुद्धि के प्रकार आपको बताना है। तो अल्फ्रेड बिने इस बात पे जोर देते हैं कि जो बुद्धि है वो चार शब्दों से मिलकर के बनी हुई है। पहला शब्द है ज्ञान, दूसरा शब्द है आविष्कार, देन तीसरा शब्द है आपके पास निर्देश, एंड चौथा शब्द है आलोचना। तो बुद्धि चार प्रकार की चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है, ये अल्फ्रेड बिने कहते हैं, ओके। बिने का बुद्धि सिद्धांत कहता है कि बुद्धि चार प्रकार के शब्दों से मिली हुई है, मिलकर बनी हुई है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, ठीक है। ये तो बिने की बात हो गई कि बुद्धि चार प्रकार, चार शब्दों से मिलकर के बनी हुई है, मतलब बुद्धि इन चार चीज़ों को रखती है, ज्ञान को, आविष्कार को, निर्देश को, और साथ ही साथ आलोचना को। अब इसके बाद बात करते हैं टर्मन। तो देखते हैं टर्मन ने बुद्धि के बारे में क्या कहा है। टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा दीजिए, क्या है भाई टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा। बुद्धि जो है, टर्मन कहते हैं कि अमूर्त विचार को सोचने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। अमूर्त विचार मतलब कि अमूर्त यानी अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को सोचने की क्षमता जो होती है वो बुद्धि कहलाती है ना। तो इससे मैं ज़्यादा तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मूर्त विचार भी कोई ना कोई चीज़ होती है। ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया अमूर्त विचारों से ही चल रही है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पर ही चल रही है। तो अमूर्त विचारों की सोचने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं, ओके। देन इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ की डेफिनेशन क्या है। वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ओके। वुडवर्थ का कहना है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो वुडवर्थ की परिभाषा लिख लें। वुडवर्थ जो कहते हैं वो कहते हैं कि जो बुद्धि है, बुद्धि क्या है, कार्य करने की विधि है। कार्य करने की विधि, ये सब्जेक्ट ऐसा ही है, आपको इसको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रखनी है और एक तरीके से काम निकाल करके इसको अलग करना है, एग्जाम्स में आता है इसलिए पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं स्टर्न। स्टर्न क्या कहते हैं, स्टर्न के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है। स्टर्न कहते हैं बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है, ओके। मतलब स्टर्न की सीधी सीधी बात की जाए तो ये क्या है, समायोजन की योग्यता।
समायोजन की योग्यता को ही बुद्धि कहते हैं। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ कि वाकई में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। जैसे हम किसी को कहते हैं कि तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं है, गधे हो क्या, है ना, तो वो क्या है, हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो परिस्थितियों के साथ समायोजन नहीं कर पाया होगा। तो समायोजन की योग्यता ही कहते हैं बुद्धि, कहते हैं बहुत बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान कौन होता है, जो परिस्थितियों के साथ बहुत बढ़िया समायोजन कर सके। तो समायोजन की योग्यता जो है वो बुद्धि कहलाती है। ओके, सो ये स्तन ने कहा था कि ये एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ, है ना, समायोजन करता है। ओके, अब बात करते हैं बकिंगहम। ओके, तो इंदौर बखे रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, इंग्लैंड में महारानी का पैलेस का नाम है बकिंगहम पैलेस, बट हम यहाँ पर बात करते हैं बकिंगहम की। ओके, बकिंगहम भी एक मनोविज्ञानी है। आइए देखते हैं कि बकिंगहम क्या कहते हैं, बुद्धि की परिभाषा जो है बकिंगहम के अनुसार क्या है। बकिंगहम कहते हैं कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, मतलब सीखने की शक्ति को इन्होंने बुद्धि बताया। तो बकिंगहम का लिख लीजिए, सीखने की शक्ति को इन्होंने बुद्धि कहा। देन इसके बाद बात करते हैं वेस्लर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वेस्लर क्या कहते हैं, बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की और वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। तो वेस्लर की बात क्या है, वेस्लर कहते हैं कि बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। तो ये वेस्लर की बात थी। देन इसके बाद एक और बहुत महान हमारे मनोविज्ञानी स्पीयरमैन कहते हैं कि बुद्धि जो है तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। तो फिर से मैं कहूँगा भाई, तार्किक वाली ही बात नहीं होती है, अतार्किक या कन्वेंशनल चीज़ें भी हो सकती है, तो ज़्यादा एग्री मैं नहीं करता हूँ। तो स्पीयरमैन कहते हैं कि बुद्धि जो है तार्किक चिंतन करने की योजना, स्पीयरमैन के अनुसार जो बुद्धि है वो है तार्किक चिंतन की योग्यता। देन इसके बाद कहते हैं बुद्धि के प्रकार हम बात करते हैं, है ना, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के प्रकार। अभी मैंने आपको बुद्धि के प्रकार बताए थे थोड़ी देर पहले, अल्फ्रेड बिने के अनुसार मैंने बताया आपको कि बुद्धि प्रकार कितने होते हैं। देन उसके बाद मैंने आपको स्टर्नबर्ग के अनुसार बताया कि बुद्धि चार प्रकार की होती है। ओके, अल्फ्रेड बिने के अनुसार मैंने आपको बताई, अब बताता हूँ मैं स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि जो होती है वो होती है पहली अमूर्त बुद्धि, दूसरा मूर्त बुद्धि जो चीज़ें हमको दिखती हैं, या इसको कह लीजिए यांत्रिक बुद्धि, और फिर तीसरा है सामाजिक बुद्धि। यस, सामाजिक बुद्धि। ओके, स्पेलिंग हिंदी पे मत जाइएगा, थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ओके, सामाजिक बुद्धि। देखिए अब बात करते हैं अमूर्त बुद्धि ज़्यादातर किन लोगों में पाई जाती है। अमूर्त मतलब जो चीज़ आपके सामने है नहीं, जो मूर्त रूप में नहीं है फिर भी आप उसके बारे में सोच सकें। तो अमूर्त बुद्धि जो पाई जाती है शिक्षकों में पाई जाती है, लेखक में पाई जाती है, कलाकार में पाई जाती है और वैज्ञानिक इत्यादि व्यक्तियों में पाई जाती है, क्योंकि ये सब लोग क्रिएटिव होते हैं। ओके, यांत्रिक बुद्धि किसे कहते हैं, यांत्रिक बुद्धि का मतलब होता है मूर्त बुद्धि, मूर्ख नहीं मूर्त। मूर्त मतलब जो ऑलरेडी आपके सामने है या मैकेनिकल फॉर्म में है, जो चीज़ उपलब्ध है, उपलब्ध सोच करके, मतलब ऐसा कि मेरे पापा मेरे दादा के पैर पड़ते थे तो मैं भी अपने पापा के पैर पड़ूंगा, ये एक तरीके से मूर्त बुद्धि का कंसेप्ट है। ओके, तो जो मूर्त बुद्धि है वो सब में लगभग होती है, और ज़्यादातर ये है कि जो चीज़ें पुराने लोग फॉलो करते आते हैं वो मूर्त बुद्धि पाई जाती है, जैसे इंजीनियर हो गया, ओके, फायरमैन हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, तो ये लोग जो होते हैं ये मूर्त बुद्धि वाले होते हैं। ओके, ये सभी के सभी। देन बात करते हैं सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि किसके अंदर पाई जाती है, चलिए देख लेते हैं। सामाजिक बुद्धि जो लोग बहुत कन्विंसिंग होते हैं, जो आप लोग को बहुत अच्छे से कन्विंस करते हैं, जो आपको एक तरीके से समाज के अंदर अपने ले लेते हैं, जैसे समाज सेवक, बीमा का एजेंट, कोई नेताजी, कोई पंडित जी, ओके, ये सारे के सारे जो होते हैं ये एक तरीके से सामाजिक बुद्धि को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं अगला पॉइंट, एक कारक सिद्धांत। तो देखिए एक कारक सिद्धांत क्या होता है, एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। एक कारक सिद्धांत का मतलब होता है राजकीय सिद्धांत।
बुद्धि का सबसे पुराना जो सिद्धांत है वो एक कारक सिद्धांत ही है, और एक कारक सिद्धांत जो था वो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कहलाता है। एक कारक सिद्धांत जो है वो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कहलाता है। देन इसके बाद आते हैं फ्रांसीसी वैज्ञानिक स्पीयरमैन की हम बात कर चुके थे। ओके, अभी हमने स्पीयरमैन के बारे में काफ़ी सारी बातें करी थी कि स्पीयरमैन ने क्या कहा था। स्पीयरमैन ने कहा था कि जो बुद्धि है वो तार्किक चिंतन करने की क्षमता है। ओके, तार्किक चिंतन करने की क्षमता को स्पीयरमैन ने बताया था। बुद्धि का डेफिनेशन तार्किक चिंतन करने की क्षमता। एक बात मैं आपको बताऊं कि स्पीयरमैन जो थे वो जो फ्रांस से थे, स्पीयरमैन, स्पीयरमान भी कहते हैं इनको, इन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। द्विकारक, ओके, डबल फैक्टर थ्योरी, तो द्विकारक सिद्धांत इन्होंने दिया था। ओके, स्पीयरमैन के बारे में आपको बताऊं, मैं ये फ्रांस से ताल्लुक रखते थे और पहले ये सांख्यिकी विषय जो मैथ्स की पार्ट है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर थे और बाद में ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए। ओके, तो बाद में ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए और इन्होंने बताया स्पीयरमैन ने कि जो बुद्धि का संबंध है वो चिंतन से है, बुद्धि का संबंध जो है चिंतन से है, और इन्होंने बताया कि तार्किक क्षमता जो होती है ना, वो कहलाती है बुद्धि, तार्किक एबिलिटी। सो इन्होंने बताया कि बुद्धि का संबंध जो है वो चिंतन से है। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चन हो जाएं थोड़े से। तो पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है कि पियाजे के अनुसार कौन सी वह अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। ओके, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में जो बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, वह अमूर्त मतलब कि जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो चीज़ों से पता नहीं है, जो चीज़ें दिखती नहीं है, उसके बारे में तार्किक चिंतन, लॉजिकल एक तरीके से एनालिसिस करना शुरू कर देता है, वो कौन सी अवस्था है। तो आपको पियाजे की कई सारी अवस्थाएं पता होंगी। ओके, उसमें जो ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ओके, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो इसमें लिख लीजिए इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था होती है इसमें जो बच्चा होता है ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की स्टार्ट कर देता है। तो जीन पियाजे की चार जो अवस्थाएं हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वो यकीनन एग्जाम में आती हैं। ओके, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला सवाल लेते हैं, बच्चों में बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने करी। अरे भाई, अभी अभी मैंने बताया कि जो बच्चों में जो आपका डेवलपमेंट होता है, जो बच्चों में बौद्धिक विकास होता है, ओके, उसकी चार अलग अलग अवस्थाओं के बारे में पहचान जीन पियाजे ने ही करी थी। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं कि जो विकास है यानी कि डेवलपमेंट, अब थोड़ी सी बात कर ले डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट कैसी प्रक्रिया है। तो डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, विकास याद रखिएगा, वृद्धि निश्चित होती है परंतु विकास जो होता निश्चित नहीं होता है। आपके मरते समय अंत क्षण तक आप विकास करेंगे, कुछ ना कुछ आप सीखेंगे, तो यह सिद्धांत कहलाता है निरंतरता का सिद्धांत, जो कहता है कि विकास कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। यह जिस दिन से भ्रूण बनता है से लेकर के अंत समय तक विकास होता रहता है। हाँ, वृद्धि कुछ समय तक के लिए होती है मगर विकास जीवन पर्यंत होता है, जब तक जीवन है तब तक विकास होता रहता है, यह कहलाता है निरंतरता का सिद्धांत। तो अभी अभी मैंने बताया था कि एक बताई मैंने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना, औपचारिक संक्रियात्मक उसी को बोलते हैं। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ से औपचारिक है और आ से है अमूर्त। ओके, इंग्लिश में उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेटिव स्टेज, बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और हम बात करते हैं कि अब कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर सकता है। ओके, तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वह अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके पहले जो मैंने आपको बताई थी कि वह अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं, मतलब जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ओके, एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। मूर्त मतलब मैकेनिकली जो चीज़ें एग्जिस्ट हैं, और अमूर्त का मतलब जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, कोई ऐसा नया आइडिया, कोई नया विचार,
ओके, कि मैं ये कर दूंगा तो शायद ये हो जाएगा, है ना। ये नहीं कि गिलास में पानी भरा हुआ है, मुझे एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, तो वो तो मूर्त हो गया। मगर कोई नया कंसेप्ट जो है वो अमूर्त में आता, तो उसके लिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात की गई है। परंतु जब तार्किक रूप से बच्चा वस्तुओं व घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। चलिए अगला सवाल बहुत ही सरल है, बताइए किस अवस्था में बच्चे अपने सम वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। सब जानते हैं कि हम सभी अपने ग्रुपों के सदस्य बने थे, ग्रुपबाजी हुई थी हमारी किशोर अवस्था में, ठीक है ना। अगला सवाल, बच्चे संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित कर सकता है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, बिल्कुल सिंपल है, विद्यालय और कक्षा में। देन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। जीन पियाजे कहते हैं कि बौद्धिक विकास को निर्धारित करने वाला तथ्य नहीं है, मतलब ये जो है बौद्धिक विकास को इफेक्ट नहीं करता है, वो कौन है। तो आंसर है इसका सामाजिक संचरण, सामाजिक संचरण जो है ये इफेक्ट नहीं करता है। ओके, चलिए अगला, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो आपको बताना है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ओके, कंक्रीट यानी कि मूर्त ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, ओके, वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो सही जवाब लिखिए 7 से लेकर 12 वर्ष तक का बच्चा जो होता है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हुआ करता है। ओके, यहाँ पर बच्चा जो होता है जो देखता है उसके बारे में अपने कंसेप्ट बनाता है। ओके, जो दिखेगा वही सीखेगा। ओके, और 12 वर्ष के बाद जो होता है बच्चा जो है अमूर्त के बारे में सोचना शुरू कर देता है, इसलिए 12 वर्ष के बाद जो है इंजीनियरिंग वगैरह के कोर्सेज के बारे में जानकारी देने सही रहती है, क्योंकि बच्चा अमूर्त के बारे में या हाई लेवल कंसेप्ट के बारे में सोचना शुरू कर देता है। यस, देन मैं बात करूँगा कि संवेदी पेशी अवस्था, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज। ओके, संवेदी पेशी अवस्था, संवेदीय पेशी अवस्था क्या होती है भाई। ओके, तो ये पेशी जुड़ा है, मतलब मांसपेशी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो ये 0 से लेकर 2 वर्ष तक की होती है संवेदीय पेशी अवस्था। अगला सवाल बहुत ही सवाल सिंपल है, एक 13 वर्ष का बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा अपने आप को स्वयं ही कह को सही बताने की कोशिश करता है, बताइए यह विकास की कौन सी अवस्था में है। आंसर, यह विकास की किशोर अवस्था में है। प्रश्न, खिलौनों की आयु किसे कही जाती है। भाई खिलौना किस में खेलता है, खिलौना, ओके, खिलौने, बहुत लोग सुनते हैं कि खिलौना मतलब बाल्यावस्था, देखिए याद रखिएगा खिलौना बाल्यावस्था की एज नहीं है, खिलौना जो है पूर्व बाल्यावस्था की एज, मतलब बालक के पूर्व। ओके, खिलौने की अवस्था जो होती है पूर्व बाल्यावस्था में होती है। ओके, अगला सवाल है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था के पहले का जो टाइम है वो है पूर्व बाल्यावस्था, फिर आती है बाल्यावस्था, फिर उसके बाद की जो स्टेज है वो उत्तर बाल्यावस्था है। तो उसमें बच्चा क्या क्या समझ लगता है, उसमें बच्चा जो है द्रव्यमान, मतलब किसी चीज़ का द्रव्यमान क्या है, संख्या क्या है और क्षेत्र क्या है, इसके बारे में समझने लगता है। अगला सवाल बहुत ही कॉमन सवाल है वर्ग 3 के लिए, कि 2 वर्ष की आयु तक बच्चे के पास कितना शब्द भंडार हो जाता है। तो 2 वर्ष की आयु का बच्चा लगभग 100 शब्द का शब्दकोश बना लेता है। ओके, ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि शर्म और गर्व जैसी भावना किस अवस्था में होती है। शर्म और गर्व जैसी भावना किस अवस्था में होती है। बच्चों ने जवाब दिया है किशोरावस्था, नहीं जी, किशोरावस्था ऐसी भावना नहीं है, शर्म की जो सबसे ज़्यादा भावना प्रबल होती है, किशोरावस्था में तो बच्चे होशियार हो जाते हैं, शर्म की भावना सबसे ज़्यादा हुआ करती है। कौन सी अवस्था में शर्म की सबसे ज़्यादा भावना होती है, बाल्यावस्था में। शर्म की सबसे ज़्यादा अवस्था जो होती है, भावना होती है, वो बाल्यावस्था में होती है। चलिए, तो आज हमने कुछ यहाँ पे लगभग 39 के आसपास क्वेश्चन कर लिए हैं, और अभी ये क्लासेस जो हैं हम लगातार कुछ और भी बढ़ाएंगे, आपके रिव्यू देख करके कि कैसा आप लोग को लग रही क्लासेस, ज़रूर बताइए आपको कैसे लगी क्लासेस के बारे में। एक बार फिर से हमने स्टार्ट किया है, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। बाय बाय।